राधे राधे जी, पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। भगवान सूर्य की आराधना विधिवत तरीके से करते हैं, उन्हें आरोग्य, पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में सूर्य को आरोग्यदायक कहा गया है तथा सूर्य की उपासना से रोग मुक्ति का मार्ग भी बताया गया है। इस व्रत को करने से शरीर की कमजोरी, हड्डियों की कमजोरी, जोड़ों का दर्द आदि रोगों से मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, भगवान सूर्य की ओर अपना मुख करके सूर्य स्तुति करने से चर्म रोग जैसे गंभीर रोग भी नष्ट हो जाते हैं। पौराणिक व्रत कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शांब को अपने शारीरिक बल पर बहुत अभिमान हो गया था। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए। वे बहुत अधिक दिनों तक तप करके आए थे और इस कारण उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था। शांब उनकी दुर्बलता को देखकर जोर जोर से हंसने लगे और अपने अभिमान के चलते उनका अपमान कर दिया। तब दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित होकर उसे श्राप देते हुए कुष्ठ होने का श्राप दे दिया। शांब की यह स्थिति देखकर श्री कृष्ण ने उसे भगवान सूर्य की उपासना करने को कहा। पिता की आज्ञा मानकर शांब ने भगवान सूर्य की आराधना करना प्रारंभ किया, जिसके फलस्वरूप कुछ ही समय पश्चात उसे कुष्ठ रोग से मुक्ति प्राप्त हो गई। मार्कंडेय पुराण के अनुसार पहले यह संपूर्ण जगत प्रकाश रहित था। उस समय कमल योनि ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनके मुख से प्रथम शब्द ओम निकला। वही सूर्य का प्रारंभिक सूक्ष्म स्वरूप था। तत्पश्चात भू, भुव तथा स्व शब्द उत्पन्न हुए। ये तीनों शब्द पिंड रूप में ओम में विलीन हुए तो सूर्य को स्थूल रूप मिला। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य भगवान महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। अदिति के पुत्र होने के कारण ही उनका एक नाम आदित्य हुआ। पैतृक नाम के आधार पर वे काश्यप प्रसिद्ध हुए। संक्षेप में यह कथा इस प्रकार है। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि और मरीचि के पुत्र महर्षि कश्यप थे। इनका विवाह हुआ प्रजापति दक्ष की कन्या दिति और अदिति से। दिति से दैत्य पैदा हुए और अदिति ने देवताओं को जन्म दिया, जो हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। एक बार दैत्य दानवों ने मिलकर देवताओं को पराजित कर दिया। देवता घोर संकट में पड़कर इधर उधर भटकने लगे। देव माता अदिति इस हार से दुखी होकर भगवान विराट की उपासना करने लगी। भगवान विराट प्रसन्न होकर अदिति के समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने अदिति से कहा, देवी तुम चिंता का त्याग कर दो, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा तथा अपने हजारवें अंश से तुम्हारे उदर से प्रकट होकर तेरे पुत्रों की रक्षा करूंगा। समय आने पर अदिति के गर्भ से भगवान सूर्य का प्राकट्य हुआ और बाद में वे देवताओं के नायक बने। उन्होंने देव शत्रु असुरों का संहार किया। सूर्य की जन्मभूमि कलिंग देश, गोत्र कश्यप और जाति ब्राह्मण है। विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से उनका विवाह हुआ। वैवस्त मनु, यमराज और यमुना उनकी संतान है। संज्ञा देवी भगवान सूर्य के तेज को सहन नहीं कर पाती थी। उसने अपनी छाया उनके पास छोड़ दी और स्वयं ही अश्व यानी घोड़ी का रूप धारण करके तप करने लगी। उस छाया से शनि महाराज, सावर्णी मनु और तप्ती नामक कन्या हुई। भगवान सूर्य ने जब संज्ञा को तप करते देखा तो उसे तुष्ट करके अपने यहाँ ले आए। संज्ञा के घोड़ी रूप से अश्विनी कुमार हुए। त्रेता युग में कविराज सुग्रीव और द्वापर युग में महारथी कर्ण भगवान सूर्य के ही अंश से उत्पन्न हुए। पक्षराज गरुड़ के बड़े भाई विनता नंदन अरुण जी भगवान सूर्य के रथ सारथी हैं। रथ में 7 उज्ज्वल घोड़े जुते हैं। भगवान सूर्य अपने रथ पर आसीन मेरु की प्रदक्षिणा करते रहते हैं। जब भगवान सूर्य अपने रथ पर सवार होते हैं, ऋषि रथ से आगे चलते हुए भगवान की स्तुति करते हैं। गंधर्व गान करते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। राक्षस रथ को पीछे से ठेलते हैं। भल रथ योजक बनते हैं और नाग रथ को ले चलते हैं। यानी कि घोड़े की लगाम की जगह सांपों की रस्सी है। सूर्य के रथ में केवल एक ही पहिया है,
श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार सूर्य के रथ का यह एक चक्र यानी कि पहिया संवत्सर कहलाता है, संवत्सर यानी कि साल। दोस्तों, ये थी भगवान सूर्य से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं। आइए अब उनकी आरती सुनें। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिन कर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। सारथि अरुण है प्रभु तुम श्वेत कमल धारी, तुम चार भुजा धारी, अश्व है सात तुम्हारे, कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते, फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ता चल जाते, गोधन तब घर आते, गोधुली वेला में हर घर हर आंगन में हो तव महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी ऋषि मुनि वर भजते, आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी, देनव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार, महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही, वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं पूजे दश दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान।